आज मैं जिस गायिका का जिक्र कर रही हूँ वो अपने समय के एक मशहूर संगीतकार की बहन थी और एक जीनियस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की पत्नी। उन दोनों का ही नाम अपने अपने क्षेत्र में अमर है, मगर पारुल घोष ये नाम कितने लोगों को याद है। पारुल घोष ने गायकी को करियर के लिए नहीं चुना था, बल्कि अपने घर परिवार पति को सपोर्ट करने के लिए गायन को अपनाया और फिर उन्हीं के लिए छोड़ दिया। पुराने बहुत से रिकॉर्ड्स पर उनका नाम मिसेज घोष ही लिखा मिलता है। इस वीडियो में पारुल घोष के जीवन और उनके करियर से जुड़ी बहुत सी बातें आपको बताऊंगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पारुल बिस्वास का जन्म 1915 में बरिसाल में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। तीन भाई बहनों में अनिल बिस्वास सबसे बड़े थे, उनसे 4 साल छोटी थी पारुल, और उनसे भी 4 साल छोटे एक भाई थे सुनील। गीत संगीत उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला था और उन्होंने अपनी माँ जैसी ही आवाज भी पाई थी। उनकी माँ ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी और घर में भजन कीर्तन का माहौल तो था ही, ऐसे ही माहौल में उन भाई बहनों की परवरिश हुई। मशहूर बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, जिन्होंने बांसुरी को स्टेज तक पहुंचाया और कॉन्सर्ट्स में मान सम्मान दिलाया, वो और अनिल बिस्वास बचपन के दोस्त थे। दो जिस्म एक जान वाली ये दोस्ती उस वक्त रिश्ते में बदल गई जब उनकी 9 साल की छोटी बहन पारुल की शादी 14 साल के पन्नालाल घोष से कर दी गई और पारुल बिस्वास पारुल घोष बन गई। इसीलिए पारुल घोष की बात अनिल बिस्वास और पन्नालाल घोष का जिक्र किए बगैर पूरी नहीं होगी। 1930 में अनिल बिस्वास फिल्मों में करियर बनाने के लिए कोलकाता चले गए और उसी हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी में कुछ समय बाद पन्नालाल घोष को भी बतौर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट काम मिल गया, जहां अनिल बिस्वास काम करते थे। और जब अनिल बिस्वास ने न्यू थिएटर्स ज्वाइन किया तो पन्नालाल घोष भी न्यू थिएटर्स से जुड़ गए। ये तो आप जानते ही हैं कि न्यू थिएटर्स की कोशिशों से भारतीय फिल्मों में प्लेबैक आया। नहीं जानते हैं तो न्यू थिएटर्स पर एक स्टूडियो एरा का डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी। 1935 की फिल्म धूप छांव में पहली बार प्लेबैक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के एक गाने में दो और सिंगर्स के साथ पारुल घोष की आवाज भी है। वो गाना है मैं खुश होना चाहूं। इसके बाद हालात बदले, अनिल बिस्वास कोलकाता छोड़कर मुंबई चले गए, पारुल घोष बेटी की माँ बनी। कुछ समय बाद ये पूरा परिवार भी मुंबई आकर बस गया, जहां अनिल बिस्वास अपनी एक मजबूत पहचान बना चुके थे। कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ये बात पन्नालाल घोष पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब ये पूरा परिवार मुंबई आ गया तो पन्नालाल घोष को ज्यादा से ज्यादा समय अपने संगीत के रियाज को देना पड़ा। हालांकि वो बतौर संगीतकार काम भी करते थे, पर उनके रियाज में कोई बाधा ना पड़े इसका पूरा ख्याल रखा पारुल घोष ने। उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में ऑडिशन दिया और उन्हें वहां 1000 रुपये महीने की तनख्वाह पर काम मिल गया। साथ ही वो रेडियो पर भी गाने लगी थी। पारुल घोष का नाम 1942 की फिल्म बसंत की रिलीज के बाद पहली बार बतौर गायिका उभर कर आया। इस फिल्म में उनके गाए गाने बेहद मशहूर हुए। आज ये फिल्म इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसमें मधुबाला ने बतौर बाल कलाकार काम किया था। उन पर एक गाना फिल्माया गया था जिसे आवाज दी थी पारुल घोष की बेटी सुधा ने। हमको है प्यादी हमारी गलियां। बसंत के बाद आई बॉम्बे टॉकीज की सुपर डुपर हिट मूवी किस्मत। इस पर भी एक डिटेल वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किस्मत के सारे गाने अमीर बाई की आवाज में है, सिर्फ एक गाना पारुल घोष की आवाज में है। लेकिन उस गाने का जादू ऐसा था कि एक रंगीन तबीयत के जमींदार कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में एडवांस में हफ्ते भर के नाइट शो की बुकिंग कराते थे और वो गाना सुनते थे, गाना सुनने के बाद चले जाते थे और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। अब आप इसे अनिल बिस्वास के संगीत का जादू कहें या पारुल घोष की आवाज का या फिर कलाकारों का। कभी हारे, कभी हारे।
किस्मत के गानों के लिए पारुल घोष को ना चुनने के विषय में अनिल बिस्वास का कहना था कि अगर वो पारुल घोष से सारे गाने गवाते तो उन पर आरोप लगता कि वो अपनी बहन को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए अनिल दा ने ऐसा नहीं किया। वैसे भी वो वक्त बॉम्बे टॉकीज में अनिल बिस्वास के लिए बहुत क्रूशियल था। किस्मत के बाद 1943 की हमारी बात, 1944 की ज्वार भाटा, 1946 की मिलन में पारुल घोष के गाए गीत सुनाई दिए। ज्वार भाटा वही फिल्म है जिससे दिलीप कुमार जैसे अभिनेता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिले। अनिल बिस्वास और पन्नालाल घोष के अलावा पारुल घोष ने रफीक गजनवी, सी रामचंद्र, पंडित गोविंद राम जैसे कई उत्कृष्ट संगीतकारों के लिए गीत गाए। ४७ के आसपास उन्होंने खुद ही फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। आखिरी बार उनका गाया गीत सुनाई दिया 1951 की फिल्म आंदोलन में। जब पारुल घोष ने फिल्मों को अलविदा कहा, उस समय तक पन्नालाल घोष संगीत की दुनिया का एक महत्वपूर्ण नाम बन चुके थे, तो पारुल घोष भी अपनी घर गृहस्थी और दो बेटियों की परवरिश में व्यस्त हो गईं। लेकिन वो अपने पति के शिष्यों के साथ गीत संगीत पर चर्चा में हमेशा शामिल रहती, उन्हें सलाह भी देती। इस तरह गीत संगीत उनसे कभी नहीं छूटा। 1951 में पारुल घोष की छोटी बेटी नूपुर की स्मॉल पॉक्स से मौत हो गई थी। इस दुख ने न केवल पारुल घोष को बल्कि पन्नालाल घोष को भी गहरा धक्का पहुंचाया। 1956 में पन्नालाल घोष को आकाशवाणी दिल्ली ज्वाइन करने का ऑफर आया और पूरा परिवार दिल्ली आ गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1960 में दिल का दौरा पड़ने से पन्नालाल घोष का भी निधन हो गया। इसके बाद पारुल घोष वापस मुंबई आ गई। पहले बेटी और फिर पति की मौत से वो मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम टूट गई थी। लेकिन उनके नसीब में एक और दुख देखना बाकी था। 1975 में उनकी बड़ी शादीशुदा बेटी सुधा भी कैंसर से चल बसी। सभी अपनों की मौत का दुख देखने के बाद 13 अगस्त 1977 को पारुल घोष ने भी अंतिम सांस ली। अपने बहुत छोटे से करियर में पारुल घोष ने हिंदी बांग्ला की करीब 25 फिल्मों में 100 गाने गाए। हालांकि उनमें से बहुतों के वीडियो और ऑडियो भी उपलब्ध नहीं है, और जो ऑडियो उपलब्ध हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। फनकार चाहे कितना भी भुला दिया जाए, उनका फन उन्हें मरने नहीं देता, इसीलिए फनकार भुलाए जाने पर भी अमर रहते हैं। इसी तरह पारुल घोष जैसे सभी फनकार भी अमर रहेंगे जिन्हें आज दुनिया भुला चुकी है।